सर्वप्रथम परम श्रद्धे दंतो पंत ठेड़ी जी की चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मंच पर सम्मानित सभी अतिथिगण का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस विद्यालय ग्राम सभा की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती मां भारती के चरणों में अपना श्रद्धा भाव समर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजक बंधु, यहां पर आए हुए सभी सम्मानित गार्जियन, क्षेत्रवासीगण, प्रिय हमारे छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को प्रणाम वंदन नमन। जैसा कि भाई ने कहा, इस स्वदेशी जागरण मंच के तहत यह कार्यक्रम आज यहां हो रहा, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी का माहौल है। और ऐसा भाव समाज में हम सबके बीच आना चाहिए। ऐसी बातें, ऐसी कल्पना के साथ यह हमारे युवा साथी लेकर समाज में निकले हैं और इस संगठन से जुड़े हुए प्रांत से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी आए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि ऐसी पहल आपके द्वारा हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में की जा रही है। आज निश्चित तौर से हम विदेशी माहौल को देखकर, ये विदेशी परिवेश को देखकर अपने संस्कृति, अपनी भारतीय परंपरा, अपनी सनातन व्यवस्था को हम भूल चुके हैं। हम अपना परिवेश, अपना गणवेश बिल्कुल भूल चुके हैं। समाज में, बाजारों में जिस तरीके के वस्त्र बेचे जा रहे हैं, खाद्य सामग्री बेचे जा रहे हैं, कहीं कहीं हमारी आपकी मानसिक चिंता का कारण है। वो भी इस विषय पर है कि हम जो वस्त्र पहनते हैं, पहली बात तो कहां का बना हुआ है, इस पर विशेष ध्यान रहे, और वह वस्त्र किस पैमाने पर बना हुआ है, इसका और भी विशेष ध्यान रहे। इसमें एक दो लाइनें लिखी है बैनर में कि कोका कोला पेप्सी, यह पहल बहुत पहले से चली आ रही और इस पहल का कोई अनुपालन, कोई अनुसरण नहीं कर रहा, यह हमारे समाज में दुख का विषय है। कोका कोला अमेरिका के वैज्ञानिक, हमारे भारतवर्ष के भी वैज्ञानिक बता चुके हैं कि उनके कितने साइड इफेक्ट है, उनको पीने से, उनका सेवन करने से कितना नुकसान हमारे शरीर को होता है। जिस प्रकार से वह बनाया जाता है इस फैक्ट्री में, अगर आप देख लेंगे तो कभी आप कोका कोला की तरफ, पेप्सी की तरफ आंख उठा कर नहीं देखेंगे। यह मेरा आपसे दावा है। निश्चित तौर से मैं भी हिंदू परिषद गंगा पार का जिला पार्षद की बात करूं, लेकिन मैं आपको भाई साहब आश्वस्त कराता हूं और प्रदेश प्रांत से आए हुए सभी पदाधिकारियों को मैं आश्वस्त कराता हूं कि आपके इस पहल में जहां भी मेरी आवश्यकता होगी, जहां भी मेरी जरूरत समझिएगा, आप हमको याद करिएगा, आपके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। मैं हिंदू संगठन का कार्यकर्ता हूं, हिंदू नीति की बात करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वदेशी नहीं है। लेकिन मैं चिंता ऊपर यह भी कहना चाहूंगा कि सारों को समझिए, राज को राज रहने दो। स्वदेशी की पहल वही कर रहे हैं, स्वदेशी वही अपना रहे हैं जिनको अपने राष्ट्र, जिनको अपने वतन से प्यार है, जिनको अपने भारत भूमि से प्यार है, जो भारत माता की जय बोलने वाले हैं, स्वदेशी की पहल वही कर रहे हैं। भारत भूमि की जय न बोलने वाले स्वदेशी की पहल वही करते। मैं खुले मन से कड़े शब्दों में कह रहा हूं, हर हृदय में राम लला है, हर हृदय में राम लला है, हर दिल में हनुमत बैठे, हर हृदय में राम लला है, हर दिल में हनुमत बैठे। और कह दो उन गद्दारों से, जो नमक है देश का खाते, पर थोड़ा सा चिंता कर से नमक हरामी अपने देश से ही है कर जाते, अब ऐसे उनको चुन चुन कर मारा जाएगा, श्री राम कसम टुकड़ों में काटा जाएगा। आज हम ऐसे कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, इससे हमको कुछ सीख लेनी चाहिए कि समाज में जाकर, यहां हम सुन तो रहे हैं लेकिन समाज में जाकर आप आने वाले समय के, आप सभी युवा साथी, आप सभी छात्र छात्राएं भविष्य है। इस पहल को आप अपने घरों में बताइए, अपने गार्जियन को बताइए जो आपके वस्त्र खरीदने के लिए बाजारों में जाया करते हैं, अपने पास पड़ोस में बताइए और छोटे मोटे से कार्यक्रम बड़े कार्यक्रम करके इस पहल में जागरूकता लाने का काम करिए। निश्चित
तौर पर पहल हमारे देश के विकास की प्रथम सीढ़ी भी कहलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ बातें न कहकर इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जाग उठो मेरे हिंदू शेरों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, अपराध मुक्त भगवा मैं हिंदुस्तान बनाने आया हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।